हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 26 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कि इस पूरे को टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका यह है कि हम यहाँ पे सेक और कॉसेक को डायरेक्ट साइन और कॉस में चेंज कर दें। ठीक है, साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका यह है कि सेक स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, जस्ट वैसे ही कॉसेक स्क्वायर को हम डायरेक्टली कॉट स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। और वैसे भी जो हमको आरएचएस चाहिए उस आरएचएस में टैन और कॉट ही है। ठीक है, तो सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका यही है कि हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख दे और कॉसेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख दे। ठीक है ना, तो वहां से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। और ध्यान रखेंगे यहां पे स्क्वायर रूट है तो थोड़ा सावधानीपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम एलएचएस लिखेंगे। तो LHS क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली टैन स्क्वायर थीटा के टर्म ले सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, हमको मालूम है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको आरएचएस में टैन ही चाहिए और कॉट चाहिए। प्लस कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, रीजन लिख देंगे, सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों रीजन साइड में लिख देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और क्या बचेगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 हो गया। क्लियर है, अब हमको यहां से यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको प्रूफ करना है, लेकिन जो अभी तक सॉल्व करते आया है वो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आया है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहां पे स्क्वायर रूट है लेकिन आरएचएस में स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को कौन कैंसिल करता है, स्क्वायर कैंसिल करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा है ये कुछ ऐसा हुआ होगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर कुछ ऐसा आया होगा, इसको सॉल्व करते करते कुछ ऐसा आया होगा और यहां से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा और लास्टली हमको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा मिला होगा। क्लियर है, तो कोशिश हम क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का, ये कैसे हो सकता है चेक करते हैं। या अगर हम यहां पर टैन थीटा और कॉट थीटा को ए और बी लेट करते हैं तो उस केस में ये ए स्क्वायर फॉर्म का है प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होना चाहिए। तो क्या यहां पे टू ए बी हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है लेकिन प्लस टू ए बी नहीं दिख रहा है, टू दिख रहा है लेकिन ए बी नहीं दिख रहा है। तो ए बी दिख नहीं रहा है उसका कुछ कारण है, कारण ये है कि यहां पर कुछ नहीं है मतलब वन है, यहां पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, वन है। क्या हम वन के जगह पे, क्या हम वन के जगह पे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, क्योंकि टैन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल, यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे वन ऑलरेडी था तो उस वन के जगह पे हम टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म का हो जाए, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी फॉर्म का हो गया, जहां पे ए की जगह पे टैन थीटा था और बी की जगह पे कॉट थीटा था। अब क्या हम इसके जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए क्या है टैन थीटा, बी क्या है कॉट थीटा, यानी कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरा पूरा स्क्वायर रूट ऑफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो लास्टली हमको क्या मिलेगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा मिलेगा और हमको वही चाहिए था टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, सिंपल क्वेश्चन था, इक्वल टू आरएचएस, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये एक तरीका था सॉल्व करने का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है साइन और कॉस में बदल के। ठीक है ना, जैसे कि हम कॉसेक को साइन में बदल सकते हैं, सेक को कॉस में बदल सकते हैं,
तो वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेंदी तरीका है, लेकिन वो भी जानना जरूरी है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम ही सॉल्व कर देते हैं इसको इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो पहले इसको पॉज करके इसको लिख लें, उसके बाद हम साइन और कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज करके करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे हम क्या लिखे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, तो वन लिख देंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया, अच्छा इसी पूरी चीज को हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है इंटू कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये पूरे मतलब पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो अगर पूरे पे स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट को अलग अलग करके ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ वन डिवाइडेड बाई, ये वन है ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ फॉर्म रहे, एक्सप्रेशन रहे, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी ले सकते हैं, ठीक है। चलो वही उसी फॉर्म का, अब वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है डिवाइड बाई, अब ये पूरा जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर टर्म के ऊपर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया, चलो। लेकिन हमको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, जबकि हमको मिल रहा है वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा मिल रहा है, तो वन अपॉन साइन थीटा तो कॉसेक होता है और वन अपॉन कॉस थीटा तो सेक होता है, यानी कि फिर हम सेक और कॉसेक पे पहुंच गए, लेकिन हमको टैन और कॉट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटू है, प्लस कहीं नहीं दिख रहा है हमको, प्लस हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक टर्म को ऐसे चेंज करना है, ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करना है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे आइडेंटिटी में चेंज करना है जिस आइडेंटिटी में प्लस हो या जिस एक्सप्रेशन में प्लस हो। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए तो हम कुछ आइडेंटिटी पढ़े नहीं है, ठीक है, कि हम चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन वन के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चेंज करना है टैन और कॉट में चेंज करना है, तो टैन और कॉट में चेंज करने के लिए ऊपर भी, यानी कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी साइन कॉस होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस होना चाहिए, क्लियर है। तो कोशिश हम क्या करेंगे कि वन को साइन और कॉस के टर्म में लिखना, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां पर प्लस साइन भी आ जाएगा, तो हमको यहां तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा में हो जाएंगे, ठीक है। तो वन के जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी बोलेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वन लिखे, फिर वापस से ये लिख कर, नहीं तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब वही रहेगा, जस्ट साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, वहां से स्क्वायर रूट हट नहीं पाएगा, जबकि हमको स्क्वायर रूट हटाना था, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसके जगह पे वन रखे थे, क्योंकि वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी वन की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग करके ऐड कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां भी एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो लास्टली हमको क्या बचेगा, यहां पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, यहां पे बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, यानी कि टैन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, यानी कॉट थीटा, ठीक है। तो वही प्रूफ करना था, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में भी पूछा है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।